जमीन घोटाला मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की सहित दूसरे जमीन कारोबारियों के यहां चल रही ईडी की रेड समाप्त हो गई है। छापेमारी के बाद ईडी की टीम जेएमएम नेता अंतु तिर्की और जमीन कारोबारी विपिन सिंह को अपने साथ ले गई है। हालांकि दोनों को डिटेन कर लिया गया है या ईडी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें अपने साथ ले गई है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी में एजेंसी को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे जमीन घोटाले से संबंधित कई जानकारियां उपलब्ध है। गौरतलब है कि बुधवार की सुबह से ही ईडी के द्वारा रांची में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह और शेखर कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। छापेमारी लगभग 13 घंटे तक चली। ईडी ने जांच में पाया है कि मोहम्मद सदाम के साथ मिलकर विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय और शेखर कुशवाहा ने बरियातू के चयासर होम रोड स्थित 4.83 एकड़ जमीन का फर्जी दस्तावेज बनवाया था। जमीन को हड़पने की नियत से 1940 और 1970 के फर्जी डीड तैयार कराए गए थे। जांच में ईडी ने पाया कि सद्दाम के सिंडिकेट के साथ अफसर अली भी शामिल था। वहीं विपिन सिंह बड़गाई अंचल में जाकर जमीन के फर्जीवाड़ों को अंजाम देता था। ईडी सूत्रों के अनुसार ईडी ने जांच में यह भी पाया है कि झामुमो नेता अंतु तिर्की और मोहम्मद सद्दाम के बीच पैसे की लेन देन थी। सद्दाम ने पूछताछ में जमीन के एवज में पैसे की लेन देन की बात भी कबूली थी। इसके बाद अंतु तिर्की ईडी की रडार पर आ गए। अंतु तिर्की पूर्व में झामुमो के महानगर अध्यक्ष रहे थे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने झामुमो छोड़ झाविमो पे टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने झामुमो में वापसी कर ली थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।